आज की टॉपिक है आप कुछ भी क्यों सीखते हैं। चलिए देखते हैं। एक कहता है मनी यानी पैसे के लिए, और बी कहता है लाइफ यानी जीवन के लिए। ठीक है, मतलब एक पैसा कमाने के लिए और दूसरा जीवन जीने के लिए, जीवन जीने के लिए। ठीक है, तो सबके अलग अलग होंगे थिंकिंग। ठीक है, तो देखिए, पैसा कमाना है उद्देश्य, तो प्रारंभिक शिक्षा, जैसे कहते हैं कोई प्रारंभिक शिक्षा है स्टार्टिंग में, तो प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद उसको पहले इस लाइन में मतलब पैसे पे फोकस कर देना चाहिए, फिर उसे कुछ सीखने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या था, पैसा कमाना। ठीक है, अब देखिए, अभी पूरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जीवन जीने के लिए, अब ये देखिए, इसका उद्देश्य होता है प्रारंभिक शिक्षा, जैसे इनका शिक्षा होता है वैसे ही इसका शिक्षा होता है। शिक्षा जो प्रारंभिक यानी माता पिता से जो जिनके जैसे मतलब व्यवहार रहते हैं ना, मतलब जो शिक्षा देते हैं पेरेंट्स, तो इनका प्रारंभिक शिक्षा होता है। इसके बाद क्या होता है, ये कुछ सीखने पे फोकस देते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी कहते हैं हमें पैसा ही कमाना है, लेकिन वास्तविक उद्देश्य मैंने अभी कहा है कि जीवन जीने के लिए होना चाहिए। अब उस जीवन को अच्छा करने के लिए जो कहते हैं ना पैसे से पैसा, लेकिन इसके बाद अब ध्यान से समझिएगा कि यहां पे पैसा आ गया और इसके बाद आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, यानी कि आप अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो, कहने का तात्पर्य ये। ठीक है, आलस्य रखते हो, ठीक है, आलस्य रखते हो, आप ड्रग्स लेते हो यानी कि नशा करते हो, मतलब अलग अलग तरीके के इधर उधर, समझ रहे हो ना आप, और मोटापा या कहने का तत्पर समझ गए, प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ता है। तो आपको क्या होता है इसमें, तो आप जीवन अच्छे से जी कहाँ रहे हो, या हो सकता है परंपरा के अकॉर्डिंग जो आपकी पीढ़ी ने पैसा जमा किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप ठीक है उस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हो, या आप उनके लिए जमा कर रहे हो आने वाली पीढ़ी के लिए कि हमें इसके लिए, आप दूसरों से गलत करते हो, गलत तरीके से पैसा कमाते हो, या किसी गलत तरीके का मतलब समझ गए ना, हाँ, जो आपका प्रॉफिट है उससे एक्चुअल से समझ गए ना, वो कहने का तात्पर्य आप समझ गए हो, हाँ, कि गलत तरीके से नहीं, कहने का तात्पर्य, हाँ, क्योंकि हर कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, सजा तो मिलेगा ही, ये होता है। और जीवन जीने के लिए अब वही में आप क्या करते हो, जैसे प्रारंभिक शिक्षा के बाद कुछ सीखते हो सही गलत, और बखूबी उसको अप्लाई भी करते हो। आप अपने जीवन जीने के लिए आप ये देखते हो कि हमारे जीवन में जो भी बाधा आ रहा है उससे समय टाइम टू टाइम यानी समय पर हमें क्या मतलब उस बाधा से लड़ने की शक्ति होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि पैसा से आप तुच्छ समझते हो किसी को, अपने आप को, जैसे कहता है कि मेरे पास पैसा तो है इसके पास, ठीक है, मतलब ये जीवन जीने के कुछ ही पैसा है, कोई छोटा सा बिजनेस कर लिया, तो अब क्या होता है, कोई बड़ा बिजनेस वाला है, बहुत बड़ा पैसे वाला, ठीक है, तो ये इज्जत यही या कुछ भी हो, लेकिन इसके पास चाहे ज्ञान हो, ये ज्ञान हो या डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में कुछ अलग अलग नॉलेज हो, वही ज्ञान हो डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में, या हो सकता है कोई छोटा सा बिजनेस करके अपना जीविका चला रहा हो, उसमें वो संतुष्ट हो, खुश हो, तो इनको वही है, इनको अपने आप को तुच्छ नहीं समझना है। ठीक है, इन्होंने जो सीखा है और इनकी जो अपना तरीका है जीवन को और अच्छा करना है, तो एक तरीका से वो कर रहे हैं, वो उठेंगे, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचा के, किसी को मतलब आप समझ गए ना, हाँ, नुकसान में अलग होगा, एक जलन जलन की भावना अलग होता है, और एक होता है हम जबरदस्ती किसी को करते हैं तो वो अलग होता है, तो वो टॉपिक नहीं है यहाँ पे, ये समझना है। ठीक है, तो आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो, अपना हेल्थ को अच्छा रखते हो, स्वस्थ रखते हैं, सब कुछ करते हैं, तो जीवन तो ये जी रहे हैं ना, इसके पास जितना जरूरत है उतना कर रहे हैं, और जितना होना चाहिए उतना भी कोशिश कर रहे हैं, अब धीरे धीरे बढ़ेगा, या कुछ भी हो जैसे भी, मतलब किसी को भी किसी हानि पहुंचाए हुए कर रहे हैं, और इधर से भी चल रहा है, इधर आलसी या कुछ हो तो इतना, अब जैसे देखो, अब वाइन पी रहे हैं दरा, मतलब जो शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है, सिगरेट भी स्मोकिंग इधर भी कर रहे हैं, तो ये भी जीवन जी नहीं रहे, फिर ये भी वही कर रहे हैं, देखा देखी, समझ गए ना कि हाँ, हम तुमसे कम नहीं है। तो वास्तविकता क्या होना चाहिए, आप कुछ भी क्यों सीखते हैं, जीवन जीने के लिए, यानी कि संकट कोई भी आए उससे उसका प्रॉब्लम जो है उसका समाधान आप ढूंढते हैं कि हमें उसका क्या करना है, लेकिन एक दूसरे के चक्कर में क्या होता है, जीवन जीने के लिए कोई नहीं, पैसा पैसा आज के डेट में पैसा को ही महत्व दिया गया है। तो ठीक है, पैसा तो इसका मतलब ज्ञान या कला, आप डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में या छोटा बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने आप को वो समझते हो, तो ठीक है, तो मन की शांति कहाँ से मिलेगा,
मन की शांति कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। या किसी को बहुत सारा पैसा तो और पैसा, क्योंकि कोई लिमिटेशन ही नहीं है, ये भी नहीं है कि हाँ एक तरीका से, समझ गए ना, तरीका मतलब आप समझ गए होंगे, यानी कुछ गलत तरीके से नहीं, ठीक है। तो वो जीवन तो जीते ही नहीं है, पैसा पैसा पैसा, तो महत्व आज किसको, यानी कि आप देख रहे हो बार बार महत्व किसको दिया जा रहा है, पैसा का। तो जब यही चीज है तो कोई सा कुछ और हो, स्टार्टिंग से प्रारंभिक शिक्षा हुआ, प्रारंभिक शिक्षा मतलब दोनों में से, इसके बाद क्या करना है भाई, पैसा कमाने पे फोकस कर दो, फिर इतना पढ़ने 30 साल 35 साल 25 साल या कुछ भी पढ़ने के लिए क्या जरूरत है, जब पैसा का ही लास्ट स्टेप यही है कि कुछ बन भी जाते हैं, इस बार पैसे को महत्व देते हैं, अपना जो भी पद है या कुछ भी हो कोई भी, उस अपना जो वास्तविक कर्तव्य है आपका, इनडायरेक्टली ये समझो आप कि जो वास्तविक कर्तव्य है उसको छोड़ के आप पैसे पे ही फोकस करते हो, उसके लिए अपनी जमीन को बेच देते हो अपनी, समझ रहे हो ना, हाँ गलत करते हो, तो फिर क्या है, तो फिर तो भाई प्रारंभिक शिक्षा लो, इसके बाद पैसे के पीछे भागो, लेकिन गलत तरीके से करोगे तो भुगतना तो पड़ेगा ही, सजा तो टाइम टू टाइम मिलेगा, क्योंकि आपको पता है हर कर्म का फल मिलता ही है, सजा हो, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर होता है, तो कोई भी चीज़ मैं यही कहूँगा कि अगर आप जीवन जीने के लिए जी रहे हो तो आप छोटा सा भी बिजनेस करते हो और धीरे धीरे मतलब एक तरीका से, समझ रहे हो ना, तो आप अपने आप में कोई संकोच मत करो कि आप छोटे हो, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, एक तरीका से होगा। और आप बस अपना ये रखो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रखो, अपने आप को स्वस्थ रखते हो, सुरक्षित रखते हो, आप जीवन को जी रहे हो, अच्छे से जी रहे हो, ठीक है। लेकिन स्वस्थ सुरक्षित नहीं रखोगे तो फिर वही है जीवन, फिर वही है प्रारंभिक शिक्षा करो पैसे के पीछे, फिर कोई भी चीज़ का महत्व क्यों दे रहे हो, फिर जब पैसा ही महत्व है कोई भी हो, क्योंकि अब ये तो नहीं है टॉपिक ना किसके अंदर क्या है, ये तो अब बखूबी आप लोग जानते ही होंगे, तो इसीलिए जब पैसा ही के महत्व, तो भाई इस पर कोई विचार बात कह रहा है कि पैसा नहीं है ये नहीं, तो भाई अपना अपना कर्तव्य का पालन करो ना, देखो ना कोई प्रॉब्लम कहीं पे आएगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे तो बोझ धोने वाला काम हो रहा है, बोझ धोने मतलब समझ गए ना, हाँ इसका उसका दस सबका हम ही करके इकट्ठा कर रहे भाई, चाहे जैसे भी दूसरे का करके, समझ गए ना, तो वो सिस्टम तो उसका कर्म का वो तो भुगतना ही पड़ेगा ना, कि जिसने किया है कर्म भुगतना तो उसे ही पड़ेगा, समझ गए। तो एक प्रॉपर तरीके से ना करके कुछ अगर गलत तरीके से कर रहे हैं तो उस पर रोक लगाए, ठीक है। और अपना जीवन जीने के लिए जो है आप कुछ भी सीखते हैं तो आने वाली बाधाओं से आप मतलब मुक्त होते हैं, कि जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएगा टाइम टू टाइम आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे और टेंशन फ्री होके रहेंगे। लेकिन अगर मैंने अभी फिर बार बार कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसको महत्व दिया गया है, तो जब इसको महत्व दिया तो आपको पढ़ाई लिखाई किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, कोई भी पढ़ाई किसी भी चीज़ की, जब उद्देश्य वही है तरीका अलग अलग तो फिर उसी को महत्व दो, इसको आप जितना बढ़ाओगे ना उतना बढ़ेगा। जब आप देख रहे हो कि गलत चीज़ हम कर रहे हैं जिससे हमारे जीवन पर असर पड़ेगा तो वो चीज़ कर रहे हो, तो आप जीवन जीने का कहाँ कर रहे हो, हाँ तो पैसा, और वही है कि पैसा भाई पैसा होना चाहिए, तुम क्या करते हो उससे नहीं मतलब है, हमें पैसा चाहिए, तुम क्या करते हो कहने के लिए होता है, कहने के लिए मैंने ये कहा, कोई कहता है कि भाई तुम क्या करते हो हमें कुछ नहीं पैसा चाहिए, अगर आप पैसा देख रहे हो यानी कि वो खराब हो सही हो कहाँ जाए क्या करे उससे नहीं मतलब है पैसा, ठीक है। तो ये चीज सब आपको देखना पड़ेगा कि अब उसके लाइफ में प्रॉब्लम आ गए तो फिर दिक्कत, तो फिर वही है फिर एक दूसरे में इन्वॉल्व, तो बहुत सारे सिस्टम, इसलिए आपको कुछ भी सीखना है किस लिए, जीवन जीने के लिए और जीवन को सुगम बनाने के लिए आपको अच्छे शिक्षा की जरूरत है, ना कि नौटंकी वाले, नौटंकी वाले मतलब समझ गए ना, हाँ आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा जीवन जीने के लिए आपकी क्या जरूरत है, कौन सी शिक्षा किस तरह के, ठीक है। और यही चीज़ है, और पैसा तो आ ही जाता है कोई भी, जब ये आपको देखिए ये प्रोसीजर चल रहा है, यानी कि आप कुछ भी सीखते हो तो उसके अकॉर्डिंग तो आप तो इतना धन का ही कर ही लेते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो, एक स्ट्रेटजी से काम करते हो तो एक थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन गलत या अलग तरीके से तो उस कर्म का फल तो भुगतना पड़े, क्योंकि उतार चढ़ाव तो जिंदगी में होता रहता है। तो इसलिए अपने आप को तुच्छ ना समझे, अगर आप छोटा भी काम कर रहे हैं तो अपने आप को तुच्छ मत समझे कोई, ठीक है। और जो आपको तुच्छ समझना है उसे तुच्छ समझने दीजिए, पैसा से ही जाता तो ठीक है उन्हें पैसे रहने दीजिए, क्योंकि मैं अभी कहा ना कि आप हाथ पैर नहीं चलाओगे तो फिर वही है प्रॉब्लम इशू, शरीर अगर अच्छा नहीं काम कर रहा है मतलब कहने का तत्पर और अलग अलग, तो फिर क्या है,
अच्छा जीवन कहाँ जी रहे हो। ठीक है, तो इसको जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा, इसलिए आपको फोकस करना है। आप किस लिए सीखते हो? जीवन जीने के लिए। तो इसलिए पैसा का महत्व तो मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं, तो लेकिन पहले जीवन में जो जरूरी है उसका पहले फोकस करो। ठीक है, और एक तरीका भी है, पैसे के पीछे पागल नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप भूल जाते हो कि कहां से कोई शिक्षा मिला, तभी उसको आप उपयोग करके ही कुछ करते हो। कि अब अगर आप कोई भी चीज सीखते हो इसके बाद ही तो कुछ करते हो कि कहां यूज कैसे करे। इसीलिए आप जीवन को सुगम बनाने के लिए अच्छे से जीते हो। अब आप देखो, आप पैसा के लिए कर रहे हो तो मैंने भी कहा पढ़ने की कोई ज़्यादा जरूरत ही नहीं है, एक पकड़ो इतना, इसके बाद अब जिसके पास जितना है उसके अकॉर्डिंग, तो महत्व आप दिए हो। ठीक है, बाकी इसको जितना बढ़ोगे उतना बढ़ेगा। ठीक है, तो हम मतलब कहने का तो हम आप सीखते कुछ भी क्यों हैं, जीवन के, क्योंकि जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मोक्ष। ठीक है, तो वो छोड़ो, वास्तविक पहले जीवन तो सही से जी ले। इसलिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि अपने कर्तव्य का पालन छोड़ के यहाँ पे बोझ ढोने का काम हो रहा है, मैंने पहले ही बताया, तो वो काम नहीं होके अपने अपने कर्तव्य का पालन कीजिए तो सब सही होगा। ठीक है, ओके।